फ्रेंड मोबाइल से बोलते हैं रमण सिंह एक नौजवान की भाई 12 को ये मर्डर हुआ और 4 महीने में पुलिस की ये हालत है कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की धज्जियां जिस तरह से उड़ाई जा रही है, खुलेआम माफिया का राज हो रहा है और माफिया और पुलिस पूरी तरह से मिली हुई है। 4 महीने के बाद आज हुआ और जिस तरह का व्यवहार पुलिस के अधिकारियों का, मैं समझता ये बहुत ही निंदनीय है। 4 महीने के बाद डेड बॉडी भी मिली है गड्ढे में, जिसको टुकड़े टुकड़े करके दफनाया गया। मैं समझता हूँ उसका पोस्टमार्टम लिया हो, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा हो। परिवार का केवल कमाने वाला वही था, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, कोई परिवार में और है नहीं, उसको मार के सहायता हो और परिवार के सदस्यों को नौकरी। ये गांव वालों की दूसरा है, गाँव वालों का पोस्टमार्टम छोटे लिए आगे तो यही बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की, घर वालों को परिजनों को बार बार बहाने बनाकर भेजते रहे कि पता नहीं वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ, कहीं चला गया, भाग गया, हम क्या करें। और जब परिजनों ने मृतक के परिजनों ने मुलजिमों के नाम सहित रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसके बावजूद पुलिस ने जांच सही नहीं की। आज जब बॉडी मिली है कुएं में और जो मुलजिम थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके बिठा रखा है, अब हम सब की मांग है कि
जो मृतक है उसके परिजनों को न्याय मिले, उसको बच्चों को सरकारी नौकरी मिले और उसको परिवार को आर्थिक सहायता मिले। दूसरे दिन गया, नामजद रिपोर्ट दी मैंने, इन लोगों ने जबरदस्ती वहाँ रिपोर्ट लिखवाई। थाने को पता था पहले से मेरे भाई के बारे में कि उसका अपहरण हो गया, थाने को कैसे पता चला इस बात का, बताओ आप, बताओ मेरे को। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ हमें न्याय मिले, फैसला करेगी बस्ती, बस फैसला करेगी बस्ती, उसके मकान तोड़े जाए, उसकी नीलामी की जाए संपत्ति पूरी। एक नहीं, आठ आठ लोगों को बर्बाद कर दिया उन्होंने, ये बात है। थाने में जाता हूँ मैं, पुलिस बदतमीजी करती है मेरे से, तेरा भाई किसी का मर्डर करके भग गया। मैं पूछता हूँ, अरे करके भग गया तो एफ आई आर तो दर्ज होगी उसके खिलाफ, तेरी लड़की लेके भग गया, किसकी लड़की लेके भग गया, किसी ने रिपोर्ट तो दर्ज करवाई होगी उसके खिलाफ। सुभाष जी ऐसा उसने बात की मेरे से, सरपंच जी के साथ में बदतमीजी की, ऐसी प्रशासन है पुलिस की। नाम नंदू सिंह शेखावत। थैंक यू।